नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः स्वागत करता हूँ मैं आप सब लोगों का आपके अपने ब्लॉग आज की यात्रा में। तो आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों पुनः प्रयागराज के त्रिवेणी संगम स्थित बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी के पास। जैसा कि गंगा और यमुना का जलस्तर पूरी तरह से कम हो गया है और ऐसे में बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और हनुमान जी पुनः जलमुक्त हो गए हैं, यानी कि जल से बिल्कुल निकल चुके हैं। तो आज उनका भव्य श्रृंगार और रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो अभी आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें, लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कितना सुंदर और कितना दुर्गम नज़ारा होगा आज का, और आप लोगों को भी अवलोकन करवाएंगे कि जैसे ही पहले दिन बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी खुले हैं तो आज उनका रुद्राभिषेक और श्रृंगार किस तरह से किया जा रहा है। तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या क्या नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोग भी दर्शन करें, जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि कब कब जो है बंधवा के हनुमान जी जलमुक्त होंगे, कब उनके ऊपर से जल हटेगा, कब वो खुलेंगे। तो आज उनके दर्शन में कराता हूँ आप लोगों को, चल कर और दिखाते हैं। और इधर देख लीजिए, ये साफ़ सफाई का काम चल रहा है पूरी तरह से। जो है अभी तक जो यहाँ कीचड़ उचड़ जो बहकर जमा हो गया था उसकी साफ़ सफाई चल रही है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं किस तरह से उनका रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भव्य आरती और हनुमान जी का श्रृंगार और रुद्राभिषेक किया जा रहा है। यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, जो यहाँ के संत हैं, श्री बलबीर महाराज जी के द्वारा, आप देख रहे हैं नीचे बलबीर महाराज जी हैं, उनके द्वारा जो है रुद्राभिषेक किया जा रहा है और श्रृंगार किया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और देखिए कि कैसे क्या श्रृंगार किया जा रहा है और किस तरह से जो है इनको पुनः उसी तरीके से जो है साफ सफाई करके जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और सुनिए यहाँ की आरती और करिए दर्शन। Ah!